बहुत से लोगों के मन में होगा कि अरे क्यों ना माने कि अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया है, जबकि अतीक अहमद की 1200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति या तो गिराई जा चुकी है या जब्त की जा चुकी है। जिस अतीक अहमद को 44 साल में पहली बार सजा मिलने लगी है, जिस अतीक अहमद की पत्नी फरार है, दो बेटे जेल में हैं, एक बेटा फरार है, जिस अतीक अहमद का अपराध में साथी दूसरा भाई भी जेल में है, जिस अतीक अहमद के गैंग के अपराधी खुद सरेंडर करने में लगे हुए हैं, क्यों ना तब माने कि अतीक अगर खुद ही मिट्टी में मिलने की बात कह रहा है तो सही कह रहा है। उमेश पाल का ही अपहरण करके बयान बदलवाने के केस में पहली बार अतीक को उम्र कैद की सजा हुई। उमेश पाल के मर्डर केस में ही अब की बार फिर से प्रयागराज अतीक अहमद को आना पड़ा। इसीलिए जब सबको लगता है कि अतीक का खुद को मिट्टी में मिल जाने की बात कहना सही है, उन्हें उमेश पाल की पत्नी और मां को भी सुनना जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ उमेश पाल का परिवार है। अतीक अहमद जब निकला है तो उसने कहा कि सरकार ने मुझे मिट्टी में मिला दिया है, मुझे अब सरकार रगड़ रही है। आपको लगता है कि उसके खिलाफ बहुत ज्यादा कार्रवाई हुई है या अभी बहुत ज्यादा कार्रवाई बाकी है, वो सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसा कर रहा है? वो सहानुभूति बटोरने के लिए कर रहा है, वो ऐसा नहीं है। उसका साम्राज्य आज का नहीं है, साम्राज्य बहुत पहले का है। अब वो आज का गुंडा माफिया नहीं है, बहुत पहले से ही है। उसका दबदबा बहुत चलता है, रंगदारी है, छिनौती है, जमीन के कब्जे हैं और क्या कई प्रकार से है। उनमें कईयों मैंने ढके मुंदे सभी किसी न किसी प्रकार से उसकी मदद करते हैं। उसको कहां मिट्टी में मिला पाए, वो अभी धुरंधर की तरह खड़ा है, उसका भाई खड़ा है, उसके गुंडे माफिया खड़े हैं, अभी वो कहां मिला है? वो तो कह रहा कि हमको अरे उसको कहने से रहने दीजिए। वो तो कहता मैं जेल में थे, मैं तो जेल में था जब उमेश का मर्डर हुआ है। आप लोग लेकिन वो देखिए, वो तो बोल रहा है कि मैं जेल में था, लेकिन जेल से तो उन्हें सारी शतरंज की चाल रची है। अब बचपन की क्लास याद करिए, कई बार आपने भी किया हो या फिर हो सकता है देखा हो अपने दोस्तों को करते हुए, जब टीचर डस्टर से या डंडे से छात्र को मारने के लिए हाथ आगे करने को कहते हैं तो कई बार छात्र डंडा पड़े न पड़े लेकिन हाथ बहुत तेज से हिलाकर दिखाते हैं कि चोट लग गई, शायद इसलिए कि सामने जो सजा मिलनी है वो थोड़ी कम हो जाए। क्या इसी तरह अतीक अहमद भी खुद को एकदम मिट्टी में मिल जाने का बताकर अपने और अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है? मार्च महीने में अतीक अहमद ने कहा काहे का डर, अप्रैल में कहता है मिट्टी में मिल गए अब तो रगड़े जा रहे हैं। क्या इसे अतीक का अतीत बन जाना नहीं माना जाएगा? आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव और अरविंद ओझा, दो रिपोर्टर जिन्होंने अतीक अहमद के डर के सच को सबके सामने लाने वाला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। सबसे पहले समर्थ के साथ हुई बातचीत को सुनिए और समझिए। अतीक कुछ कहेंगे आप? अतीक अहमद, अतीक अहमद कौन सी जेल में रहना चाहते हैं आप? अतीक अहमद, आपके परिवार को भी लाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? अशरफ को भी बरेली जेल से लाया जा रहा है। अतीक, अशरफ को भी बरेली जेल से लाया जा रहा है। अतीक, अशरफ को बरेली जेल से लाया जा रहा है, क्या कहेंगे? अशरफ को ला रहे हैं, अशरफ को। पहले कुछ सवालों पर चुप रहा अतीक पुलिस वैन की जालीदार खिड़की पर तब आया जब उसे अपनी बात कहनी है। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। करी थी ना, असद कहाँ है? मैं क्या जानू, मैं जेल में हूँ। असद के सवाल पर झुंझलाना, मैं क्या जानू, मैं जेल में हूँ। मिट्टी में मिल जाने की बात करना, गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं। फिर पत्नी बच्चों के लिए सुरक्षा मांगना, हमारे औरतों को बच्चों को परेशान न करें। अतीक का ये डर उस स्क्रिप्ट का हिस्सा लगता है जिसका राइटर खुद अतीक हो सकता है, जिसका डायरेक्टर भी खुद अतीक ही हो सकता है। इसकी वजह समझने के लिए अरविंद ओझा की उस इंटरव्यू को सुनिए जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से उतरने के तुरंत बाद अतीक अहमद के साथ किया गया, जहां अरविंद ओझा पूछते हैं मिट्टी में कौन मिला रहा है। अतीक जवाब नहीं देता। अतीक, अतीक,
आप ये बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, तो कौन मिट्टी में मिला रहा है? मिट्टी में हम बोल रहे हैं कि मिल गए। नहीं तो मिला कौन रहा है मिट्टी में? मिट्टी में मिल गए। मिला कौन रहा है? आप ये बार बार बोल रहे हैं अतीक, मिट्टी में कौन मिला रहा है अतीक? अतीक अब क्या होगा, अब आगे क्या हो गया, क्या आशंका है आपको अतीक? अतीक फिर अरविंद सवाल करते हैं। अतीक शायद पुलिसकर्मी को इशारा करके कहता है कि रुको हम आराम से बोलेंगे बैठे बैठे। अतीक आज तक पर आप लाइव है, क्या कहना चाहेंगे? बोल रहे हैं जेल से आपने प्लानिंग करी, पर आप लाइव है, क्या बोलना चाहते हैं? जेल से प्लानिंग करी अतीक? प्लानिंग में शामिल थे क्या आप? नहीं, कोई जेल से प्लानिंग नहीं कर सकता। इसके बाद अतीक फरार पत्नी शाइस्ता और फरार इनामी बेटे असद के सवाल को टालता है। शाइस्ता ने फोन किया था आपको जेल में, बताया था पूरे कांड के बारे में? अरे वो निर्दोष घरेलू महिला है, उसको आप लोग क्यों मचीते हैं? और असद ने हत्याकांड को अंजाम दिया कहा है, कोई जानकारी है आपको? मैं जेल में हूँ, मुझे इतनी जानकारी है। आगे फिर ये माफिया जो मिट्टी में खुद के मिलने की बात बहुत लाचारी से कहता है, लेकिन पत्नी और बेटे के सवालों पर झुंझलाता है। अतीक तुमने साजिश रची थी, अतीक तुमने जेल से बैठ के साजिश रची थी? नहीं, जेल से साजिश रची थी देवरिया जेल में, देवरिया जेल से तो बुलवाया था। कैसे नहीं हो सकती साजिश? अतीक तो अतीक तुम्हारी पत्नी कहाँ है? पत्नी कहाँ फरार है तुम्हारी? अरे यार मैं जेल में हूँ, कहाँ बताऊँ पत्नी कहाँ है? ये दो इंटरव्यू सुनने के बाद क्या ये नहीं लगता कि अतीक एक माइंड गेम खेल रहा है? इसलिए तीसरा इंटरव्यू सुनिए, जिसमें परिवार पत्नी बेटे के हर सवाल पर अतीक की झुंझलाहट बढ़ती जाती है और एक इशारा करती है। अतीक आपके फैमिली मेंबर्स जेल में बैठे हुए हैं, आपके ऊपर मर्डर करने का आरोप है। अतीक आपके परिवार के लोगों को भी इस मामले में अक्यूज बनाया गया है। आपके परिवार सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं का बच्चों को दूरन न करें। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। खुद के डरे होने, खत्म हो जाने, समाप्त हो जाने के अतीक के दावे वाले डर के ये सभी चेहरे देखने के बाद सवाल जानना जरूरी कि 100 से ज्यादा अपराध वाला अतीक क्या दिमागी तौर पर खेल खेल रहा है? अतीक के हर चेहरे को परखने के लिए आगे आपको सुनना जरूरी है डॉक्टर संदीप बोहरा को, जो मनोचिकित्सक हैं, और डॉक्टर कृष्णा दत्त जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में आपको बताने वाले हैं। आपके लिए इनसे आज तक संवाददाता अभिषेक मिश्रा बात करके आए हैं।